नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से। आज हम बात करेंगे कोविड के खिलाफ युद्ध का सबसे प्रभावशाली हथियार, और वो है कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन्स। वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड वाइड स्टडीज में एक ऐसा प्रमुख हमारा सुरक्षा कवच बनकर आया है, जो पहली बात तो कि अगर हमको इन्फेक्शन होता है तो बहुत मामूली होता है और फैटल नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, और शुरुआत में उसका अगर टाइटर ठीक है एंटीबॉडी तो 9 से 10 महीने का प्रोटेक्शन भी देता है। हो सकता है बाद में हमें इसकी एक डोज या बूस्टर डोज अगले साल लगवानी पड़े, पर अभी जितनी स्टडीज़ हो रही हैं उसमें ज़्यादातर वैक्सीन्स की 2 डोजेस का शेड्यूल आ रहा है। वैक्सीनेशन से पहले हम लोग दवाइयों पर निर्भर थे, पर आज की तारीख में ये है कि आपको कोविड ना हो उसके लिए आपको जो निहायत ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाइए, वो तो सब आपको करनी है, लेकिन वैक्सीन एक ऐसा अम्ब्रेला है, छाता है, जो आपको पूरी बारिश में ऊपर से नीचे तक सराबोर भीगने नहीं देगा। अगर आप बारिश में जाओगे भी तो एक आध दो बूंदे जरूर शरीर में पड़ेंगी, कुछ कुछ वैसा ही। भारत में 2 तरीके की वैक्सीन्स इस्तेमाल हो रही हैं अभी तक। एक है उसमें भारत बायोटेक की बनी हुई कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है भारत में, और ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका का रिसर्च प्रोडक्ट है, यूके की वैक्सीन है ये। और इस वैक्सीन में वायरस वेक्टर वैक्सीन है। वायरस वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि चिंपैंजी के शरीर में एक एडिनो वायरस पाया जाता है, जिसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें वैसी ही स्पाइक प्रोटीन लगाई जाती है जैसी कोविड वायरस में होती है, फिर उसको ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद उससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं उससे फिर उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। तो ये बेसिकली जब हमारे शरीर में जाती है तो ये जो आउटर कोविड की जो सरफेस है, स्पाइक प्रोटीन, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन बना लेती है, जिससे कि वो हमारे शरीर को कम नुकसान पहुँचाता है। कोविशील्ड वैक्सीन 2 डोजेज में लगती है। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ वैसे ही कि आपको लोकल पेन होगा या कभी कभी हेडेक होगा, नौजिया होगा, वॉमिट होगा, कुछ कोविड के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इसकी इफ़ेक्टिविटी जो है वो 67-70% ज़्यादातर स्टडीज़ में आई है, और इसकी जो डोजिंग है वो पहले हम लोग 4 हफ्ते पे पहली और दूसरी डोज के बीच में अंतर रखते थे, पर आज की तारीख में ये कहा जाता है कि अगर 6-8 हफ्ते के बाद आपने सेकेंड डोज लिया तो ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन आता है और इफेक्टिविटी बढ़ जाती है वैक्सीन की। तो भारतीय सरकार भी 6-8 हफ्ते का गैप रख रही है। इसके बाद दूसरी वैक्सीन जो भारत में इस्तेमाल हो रही है वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाई थी, और इसमें क्या होता है कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। किल्ड वायरस को हमने बॉडी में डाला, डालने से जो एंटीबॉडीज डिटेक्ट करके बनी उनको हमने यूज़ किया। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में जाने के बाद उस वायरस की डेड बॉडीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, जो फिर अपनी मेमोरी इतनी स्ट्रांग रखती हैं कि जब आपको कोविड वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो तुरंत जाकर उस पर अटैक करके और एंटीबॉडी की प्रोटेक्शन से उसको बचा ले जाती हैं आपके शरीर को। इसमें भी 2 डोज का शेड्यूल है, और इसमें बस अंतर यह है कि इसमें जो गैप है वो आपका 4-6 हफ्ते का है। कोविशील्ड से इस कोवैक्सीन वैक्सीन की एडवांटेज ये है कि कोवैक्सीन स्टडी के आधार पर यह पाया गया कि म्यूटेशंस जो होते हैं कोविड वायरस में उस पर भी काम करती है। तो जितने भी अभी म्यूटेशंस हम लोग को मिल रहे हैं भारत में जो मिल रहे हैं उस पर भी काम करती है, और साउथ अफ्रीकन, यूके स्ट्रेन थे उस पर भी काम करती है। तो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है। इसकी इफ़ेक्टिविटी जो है वो 78-80% है, तो कोविशील्ड से थोड़ी सी अच्छी है। अभी भारतीय सरकार ने रशिया में जो एक वैक्सीन बनी है रशियन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड के RDIF के द्वारा मॉस्को में,
गोमालिया यूनिवर्सिटी ने बनाई है, वो स्पुतनिक वी करके, वो भी इंपोर्ट करी है 1.25 करोड़ डोजेस। और हमारे यहाँ डॉक्टर रेड्डीज करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अपनी 6 कंपनियों के साथ मिलकर इसका प्रोडक्शन करने जा रही है, तो वो भी बहुत जल्दी अवेलेबल होगी। मई से उसकी अवेलेबिलिटी की जानकारी मिल रही है। ये 2 डोजेस में आती है और इसकी 2 खुराक के बीच में अंतर 21 दिन का रखा जाता है। लेकिन जो एक सबसे चीज़ अच्छी है जो इसको अलग कर देती है कि ये वायरस वेक्टर है, लेकिन इसके वायरस में जो है वो 2 म्यूटेशन कवर होते हैं। इसका मतलब इसकी जो पहली डोज है वो अलग होती है, दूसरी डोज वो अलग नेचर की होती है। तो और इसकी इफ़ेक्टिविटी जो है वो 92% के करीब है, 90-92% के करीब। तो ये जो है ये फाइज़र कंपनी या मॉडर्ना की वैक्सीन के बराबर इसकी प्रोटेक्टिव वैल्यू है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी है। अब रही बात की क्या इनके कोई ऐसे भी कारण हैं कि आप वैक्सीनेशन ना कराइए। हाँ, अगर आपको एलर्जी है, अगर आपको वैक्सीन के किसी भी कंपोनेंट से एलर्जी है, जैसे या किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जैसे कोविशील्ड में हिस्टिडीन होता है, EDTA होता है, तो अगर उनसे एलर्जी है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछिए। या फिर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या आपको हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर है जो बच्चे को दूध पिला रही हैं माँ, उन पर अभी स्टडीज़ नहीं हुई है, और या फिर 18 साल से नीचे हैं, तो इनको अभी वैक्सीनेशन थोड़ा सा समझदारी से कराना है। 18 साल से नीचे तो खैर अभी हो भी नहीं रहा है क्योंकि इनकी स्टडीज़ कम है। अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हो गया है तो आपका वैक्सीनेशन कराएं, ये एक सवाल है जो ज़्यादातर लोगों के जहन में आता है। तो अगर आपको सिम्टम्स आने के बाद 14 दिन बीत चुके, या कोविड पॉजिटिव होने के बाद 14 दिन बीत चुके हैं, तो हमारा CDC कहता है कि आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। और वैक्सीनेशन के संग एक बहुत अच्छी सी सीधी साधी चीज़ है, समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन, जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो करा लीजिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए आपको, क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी फैल रही है। इसका स्ट्रेन जो अब की बार सेकेंड वेव में आया है, और जैसी कि स्टडीज़ चल रही हैं कि थर्ड वेव भी हो सकता है आ जाए, तो वैक्सीनेशन कराइए ज़रूर, रजिस्ट्रेशन कराइए पोर्टल में जाके, 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, और फिर जो आपकी डेट डेजिग्नेटेड हो, जो सेंटर डेजिग्नेटेड हो, वहाँ जाकर वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। ये एक ऐसा काम है जो कि इसके स्प्रेड को रोक सकता है, क्योंकि जब 72-80% लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो एक वर्ड होता है हर्ड इम्यूनिटी। तो जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो फिर इसका प्रचार प्रसार इस कोविड इन्फेक्शन का अपने आप कम हो जाएगा, और ये जो म्यूटेशन है ये भी रुक जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन भी स्प्रेड की वजह से ही होता है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, और ये इस बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़े कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं, सारी वैक्सीन अच्छी हैं, 78-90% का प्रोटेक्शन दे रही हैं। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 9 से 12 महीने का प्रोटेक्शन है, और अगर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये गाइडलाइंस आ जाएं कि बूस्टर भी हम लोगों को लेनी पड़े सबको, तो वो भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल लेंगे, हम सब लोग लेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, और अपने देश के स्वास्थ्य के लिए। तो बस प्रिकॉशंस लेते रहिए, समझदारी से काम लीजिए, बहुत भीड़ भाड़ में नहीं जाइए, अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो घर में रहिए, एक बायो बबल बना के रहिए कि जो अपने आसपास लोग हैं उनको भी प्रोटेक्शन दीजिए और खुद भी प्रोटेक्टेड रहिए, और अगर कभी बहुत ज़रूरी जाना हो तो फिर मास्क लगा के जाइए और दूरी बना कर बात करिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताऊं। एक और चीज़ कि अगर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लगी हो तो भी आप वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, या आपको प्लाज्मा थेरेपी हुई हो, मिली हो, तो भी नहीं करा सकते। बस इन्हीं सब बातों के साथ आपको अच्छे स्वास्थ्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबको याद करते रहिए, देश को आपकी ज़रूरत है और आपको देश की।